ये मेरा पर्सनल लाइक आइडिया था जो मुझे लगा कि लाइक ये एक अच्छा आइडिया है, लोगों की लाइक प्रॉब्लम सुनने के बाद में जो मैं उनके साथ में शेयर कर सकूँ, तो मैंने आपको शेयर किया। एंड हरे कृष्णा दोस्तों, ये सुपर अमेजिंग सी लड़की सुपर अमेजिंग से वीडियो में आप लोगों के सामने आज फिर से हाजिर है। अगर आज आप गलती से चैनल पर नए टपके हो, जिसके चांसेस हमेशा इतने सारे होते हैं, तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड यस, मैं हूँ आपकी लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, रिलेशनशिप काउंसलर। मेरा नाम है सिस्टर आरती और मेरा काम है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना। राइट यार, जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम डीएम सेक्शन खोलती हूँ तो आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर इस बार वाली प्रॉब्लम सुनकर ना मेरा दिल एक्चुअली में पसीज गया, क्योंकि जो लोगों का सवाल था वो उनकी सर्वाइवल को लेकर था। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आरती, कोविड के टाइम पे हमारी जॉब चली गई। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पढ़ लिख गए पर तब भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि जॉब से काफ़ी कमी है। राइट, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी थे जो बोल रहे थे कि हम ज़्यादा शिक्षित नहीं है, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हम क्या करें, लाइक हम कैसे सर्वाइव करें। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, हाउसवाइफ थी, काफ़ी सारे लोग थे जिनको समझ ही नहीं आ रहा यार हम ऐसा क्या काम करें, कैसे वो अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करें, क्योंकि सर्वाइवल इस समय बड़ा मुश्किल है। राइट, तो आज मैं आपको एक ऐसे काम के बारे में बताऊंगी जिस काम को अगर आप पूरी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, शिद्दत के साथ करेंगे तो आपका सर्वाइवल ही नहीं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जिएंगे, हज़ारों और लाखों रुपये भविष्य में बहुत अच्छे से इससे कमा सकते हो। राइट, काम के बारे में बताने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी में जरूर शेयर करूंगी। यार, लास्ट ईयर की बात है, एक 8 साल का बच्चा अपनी माता जी से पैसे मांगता है। मम्मी ने पैसे देने को मना कर दिया तो बच्चे ने अपनी बहन के साथ मैंगो शेक बनाकर अपनी सोसाइटी में बेचा। कुछ दिन लगातार बेचा, बच्चे ने उससे हज़ारों रुपए कमाया और आज दोनों बहन भाई इस काम को एक बड़े स्केल पर करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो इज़ंट इट ग्रेट। तो आपको ऑलरेडी आइडिया मिल गया होगा, मैं बात कर रही हूँ खाने की। यार मुझे लगता है ना कि इट इज़ ऑलवेज सेड यार कि किसी के दिल का जो रास्ता है वो किसी के भी पेट से होकर गुजरता है। राइट, तो अगर आप आज की डेट में फूड इंडस्ट्री की जो एक्चुअली में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि खाना हेल्दी हो, हाइजीनिक हो, घर का बना हो, न्यूट्रिशियस खाना हो। क्योंकि जब भी हम लाइक मैं बाहर रहती हूँ, मैं खाना ढूंढने जाती हूँ तो मुझे लगता है यार कहीं पर भी खाना मिल रहा है वो बहुत ऑयली मिल रहा है, अनहेल्दी है, अनहाइजीनिक है, न्यूट्रिशन कहीं गायब ही हो गया है। राइट, इस समय हर इंसान लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से काम कर रहे हैं, वाइफ जो है वो घर भी देख रही है, बच्चा भी देख रही है, सब कुछ देख रही है, उनको खाना बनाने का समय नहीं मिल रहा है। और ऐसे में आप उनको घर का बना न्यूट्रिशियस हाइजीनिक हेल्दी खाना प्रोवाइड करा दें तो आप एक्चुअली में उनके लिए ईश्वर तुल्य हैं। राइट, तो अपने दिमाग से पहले ये बात निकाल दो कि भाई हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, खाने का काम करें, नहीं। मुझे लगता है कोई आपको अच्छा खाना प्रोवाइड करा दे वो आपके लिए ईश्वर तुल्य है। मैं तो सच में उसके चरण छू लूँ, क्योंकि बाहर रहने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार खाना, घर का खाना, न्यूट्रिशियस खाना बाहर मिलना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है ना, अगर आप वही चीज़ उनको प्यार से परोसे तो भाई फिर तो क्या बात है। राइट, तो आप मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको ये कैसे शुरू करना है, कौन कौन से आपको रिसोर्सेज चाहिए, कैसे आप क्लाइंट्स ढूंढें, कैसे कैसे आप इसको स्टार्टिंग में करें। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। राइट, ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में एक तुरंत बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दिया, कोई बड़ा सा ढाबा खोल दिया, इतने पैसे लगा दिए, नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में बड़ा सा वेंचर खोल दो। जो चीज़ आपके पास है, जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसी को घर में से बना के बेच सकते हो एक्चुअली में लोगों को। शुरू में ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट दो, लंच दो, डिनर दो, स्नैक्स दो, ये दो वो दो, नहीं। अभी गर्मियाँ आ रही हैं, आप स्वीट सॉल्टेड लस्सी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप आइसक्रीम से स्टार्ट कर सकते हैं, आप मीठी खीर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप शिकंजी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोल्ड कॉफ़ी से शुरू कर सकते हैं, आप चाय से शुरू कर सकते हैं। जो जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, जिस चीज़ को आप दिल से कम रिसोर्सेज के साथ, रिसोर्सेज मतलब आपके पास बनाने वाले लोग कितने हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, क्या क्या साधन आपके पास हैं, आपके किचन को देखकर, उन सब चीज़ों को देखकर आप जो चीज़ स्मॉल लेवल पर अपने अपने आप इनिशिएटिव लेके खुशी खुशी कर सकते हैं, उससे आप शुरू कीजिए। तो स्टार्टिंग में आप सोचो कि हमें कम से करना है। स्टार्टिंग में ड्रिंक से स्टार्ट कीजिए, फिर स्वीट्स भी उसमें ले आइए, फिर धीरे धीरे ब्रेकफास्ट, फिर धीरे धीरे लंच, फिर धीरे धीरे डिनर। तो ये आपको क्लियर हो गया। राइट, कि आपको शुरू में क्या चीज़ें परोसनी है। अब दूसरी बात ये कि आरती हमें इसमें कितने पैसे लगाने चाहिए, कितने नहीं लगाने चाहिए। देखो यार, शुरू में ना अगर मुझे लगता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आपको सिर्फ 5,000 रुपये लगाने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि 10,000 है आपने 8,000 ले लिए या फिर आपने और किसी 5,000 रुपये उधार लेके कर दिया, नहीं। जितने आपके पास इस समय पैसे हैं ना, उसका जस्ट आधे आप पैसे लगा के चलिए। राइट, फिर तीसरी चीज़ कि अभी आपको शुरू में लोग हायर करने की, अपने लिए मेड हायर करने की या कोई हेल्पर हायर करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आप खुद से देखें, अपने घर में जो लोग अवेलेबल हैं उनकी हेल्प लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ आप एक्चुअली में इस काम को शिद्दत के साथ में कर सकते हैं, आप इसमें अच्छा कर पा रहे हैं, तो फिर आगे आप अपने साथ में हेल्पर जोड़ सकते हैं। अब सवाल नंबर 3, लोग कहते हैं कि यार क्लाइंट कहाँ से आएंगे, हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पता क्या कीजिए, शुरू में सिर्फ अपनी सोसाइटी में इस चीज़ को आप सेल आउट कीजिए, राइट। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसमें डाल दीजिए कि भाई हम ये चीज़ें बनाते हैं, हम लस्सी बनाते हैं, हम ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराते हैं, हम न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो चीज़ें दूसरे नहीं कर रहे आप वो करें, राइट। तो आप ऐसे करके अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, अपने नियर बाय एरियाज़ में आप पूछ सकते हैं, आप ऑफिसेज जो आपके आसपास हो आप वहाँ पर जाके अपने कार्ड दे सकते हैं। तो ऐसे करके आपको इजीली क्लाइंट मिल जाएंगे। अगर आपको एक क्लाइंट मिलता है, आपका खाना अच्छा है ना, तो वो एक्चुअली में आपके साथ में 10 लोगों को जोड़ता है। जैसे कि माना मैंने ये ड्रेस ली, राइट, और ये ड्रेस लाइक मेरी किसी फ्रेंड को अच्छी लग गई, तो मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँगी, वो पूछेगी कहाँ से लिया, तो मैं बताऊँगी फलानी मार्केट से, फलानी शॉप से लिया है, वो भी उस शॉप पर जाएगी, उसको ले लेगी, राइट। तो यही चीज़ हर जगह काम करती है। खाना ये सोचो कि न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी हो, हाइजीनिक हो, जैसा आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने घर के मेंबर के लिए चाहते हो वो हो, आप टाइम के साथ में उसको डिलीवर कर सको। ऐसा ना हो कि भाई मतलब आप लगे हुए हों आराम से उसको बनाने में और इंसान चिढ़ जाए, इंसान को चिढ़ाना नहीं है, राइट। तो इतनी सी चीज़ है, खाने का लाइक आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत टेम्पटिंग है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग इसकी तरफ ईजिली आकर्षित भी हो जाते हैं। पर हाँ, इस काम को आप जितनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में सामने वाले को फ़ायदा देते हुए, इट्स नॉट लाइक कि हमने तुरंत कुछ बनाया और उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रख दिया, नहीं, लाइक प्राइस ऐसा हो जो हर कोई अफोर्ड कर सके, घर का बच्चा भी है ना वो भी अफोर्ड कर सके। तो अगर आप इस तरह काम करेंगे तो यार लाइक ये मेरा पर्सनल लाइक आइडिया था जो मुझे लगा कि लाइक एक अच्छा आइडिया है, लोगों की लाइक प्रॉब्लम सुनने के बाद में जो मैं उनके साथ में शेयर कर सकूँ, तो मैंने आपको शेयर किया। एंड वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, किसी की हेल्प हो सकती है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, हरे कृष्णा।